महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खटीकवाड़ा क्षेत्र में स्थित विश्वेश्वर महादेव 84 महादेवों में 53वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार विदर्भ नगरी के राजा विदुरक एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने काले मृग की छाल में लिपटे हुए और तपस्यारत एक मुनि को काला मृग समझकर मार डाला, जिससे उसे नरक की प्राप्ति हुई। सिंह, व्याघ्र, हाथी, मगर, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, सारमेय, श्याल, गिद्ध आदि योनियों में कष्ट भोगता हुआ वह राजा अवंतिका में जब दंडित हो रहा था, तब उसने सुलेश्वर से उत्तर में स्थित इस दिव्य शिवलिंग का दर्शन किया तथा प्रार्थना करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। दर्शनों और प्रार्थना के पुण्य से वह विश्वेश नाम से राजा हुआ। उसे पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण रहने के कारण उसने महाकाल वन में आकर इस दिव्य लिंग की प्रार्थना की। सदा शिव ने प्रसन्न होकर विश्वेश को दिव्य गति प्रदान की तथा इस दिव्य लिंग को विश्वेश्वर के नाम से प्रतिष्ठा भी दी। विश्वेश्वर के दर्शन से मनुष्य का दुर्भाग्य दूर होकर उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।